मुख्यमंत्री जी हैं और यहाँ पाए मुख्य सचिव हैं, मुख्यमंत्री तो हम ही हैं फालतू, मुख्यमंत्री जी हैं और यहाँ पाए मुख्य सचिव हैं, मुख्यमंत्री तो हम ही हैं फालतू। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फोर नेशन पर। नीतीश कुमार 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी हो या आरजेडी, साथ किसी का भी हो, मुख्यमंत्री कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठे हुए हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार ये भूल गए कि बिहार में मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि वो खुद हैं। एक कार्यक्रम में कुछ ऐसा ही हुआ जिसके बाद वीडियो क्लिप के सहारे बीजेपी ने नीतीश कुमार से सवाल खड़े किए हैं, सवाल पूछे हैं। एक बार ऐसे ही नीतीश कुमार जनता दरबार में अचानक से गृह मंत्री को फोन लगाने की बात कह दी थी। नीतीश कुमार जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने तब से गृह विभाग भी उन्हीं के पास है। ऐसे में उस वक्त भी इस वीडियो के सामने आने के बाद नीतीश कुमार को लेकर के जो है विपक्ष ने खूब हमला बोला था, निशाना साधा था। तो अब से नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री को लेकर के, यानी कि खुद को लेकर के फालतू वाली बात कही, उसके बाद जो तमाम लोग वहां मौजूद थे वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए और इसी के सहारे विपक्ष ने नीतीश कुमार को घेरने की पूरी कोशिश की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर विपक्ष के निशाने पर रहते हैं। विपक्ष ने इस बार मुख्यमंत्री को उनकी एक बैठक के वीडियो क्लिप के सहारे निशाने पर साधा है। पंचायती राज विभाग के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को फालतू मुख्यमंत्री बताते हुए हंस रहे हैं। सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार का एक क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है। विपक्षी पार्टियों में नीतीश कुमार पर तंज जो है वो कसा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 अक्टूबर को पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण सबसे पहले बिहार ने करवाया और उसको लेकर के वर्ल्ड बैंक ने बिहार सरकार को राशि देने का काम भी किया। अब वह पंचायती राज विभाग के द्वारा किए गए कार्यों को बता रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की जगह चीफ मुख्यमंत्री कह दिया। उसके बाद वहां रहे अन्य लोगों ने इस गलती की और मुख्यमंत्री का ध्यान जो है दिलाया। उन्होंने मुख्य सचिव कहते हुए उसमें सुधार किया, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री तो हम ही हैं फालतू और हंसने लगे। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब विपक्षी पार्टियां मुख्यमंत्री के संबोधन को लेकर के तरह तरह के बयान देना शुरू कर रही हैं। इसके पहले भी सीएम नीतीश कुमार के संबोधन में कई बार जुबान फिसल चुकी है और इसको लेकर के बीजेपी ने खास करके नीतीश कुमार के ऊपर में उनको घेरते हुए कहा है कि इनका मेमोरी लॉस हो गया है और इनको मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री बताया है। इस बार जिस तरीके से संबोधन दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आप को फालतू मुख्यमंत्री बताया है, इसको लेकर के बिहार में फिर से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। किस तरीके से जो है विपक्षी लोगों ने नीतीश कुमार पर हमला बोला, हमने आपको इस वीडियो में बताया, लेकिन इस वीडियो में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार जो है चीफ मिनिस्टर के बाद खुद के बारे में फालतू मुख्यमंत्री बोलते हुए हंसते नजर आए और किस तरीके से उनकी गलती को वहां पे मौजूद लोगों ने सुधारा, दिखवाते हैं आपको इस पूरे वीडियो में। मुख्यमंत्री जी हैं और यहाँ पाए मुख्य सचिव हैं, मुख्यमंत्री तो हम ही हैं फालतू, लेकिन मुख्य सचिव बोल रहे हैं और यहाँ पर विभाग के सब अधिकारी। देखिए, मेरी इच्छा है जरा जल्दी काम शुरू। अब जितना भी हो गया है, आज हम पूछे थे कि कुल कितना काम हो गया है, तो वही आपको बता दिए, 1517 बन गया और 857 और बन रहा है, और आज 2000 पंचायत सरकार भवन करने का आज शिलान्यास हो गया। लेकिन जो बाकी बचा हुआ है, समझ लीजिए तो 3683 पंचायत का, तो हमने ये कह दिया है कि उनका भी पंचायत सरकार भवन, मेरी तो इच्छा थी 24 तक करने की, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि 25 तक करने। अगर मेरा सुझाव मानिए तो इसी साल शुरू करा दीजिए, समझ गए ना, आपको इसीलिए हम बुलाए हैं माननीय मंत्री वित्त विभाग। हम बोल रहे हैं सब लोगों को, सब अधिकारी को हम बुलाए हुए, तो जरा सा भाई एकदम पूरे तौर पर अगर शुरू कर दीजिएगा तेजी से तो मुझे बड़ी खुशी हो जाएगी।